हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों लौकी का रतोबा, जो कि बिहार की शादियों में तो दोस्तों फेमस है ही। मैंने देखा है इंडिया के हर कोने में रतोबा खाया जाता है, मगर इस तरह से रतोबा कहीं बना हुआ नहीं देखा है मैंने। तो चलिए, ये काफ़ी टेस्टी होती है, ये हमारी अलग ही रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसकी रतोबा की टेस्टी रेसिपी, जिसे आप खाएंगे तो पूरी सर्दियां बनाएंगे दोस्तों। और सर्दियों में रतोबा तो काफ़ी फेमस होती है, खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 500 ग्राम लौकी, और इसे हमने छील करके धो लिया है। चलिए इसे काट लेते हैं। इसी तरह एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे दोस्तों। और हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो लौकी है हमारा, इसमें बीज नहीं होना चाहिए, एकदम कच्चा होना चाहिए। चलिए सारे काट लेते हैं। लौकी हमारा अच्छे से कट चुका है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि हमने बड़े बड़े टुकड़े क्यों रखे हैं, तो बड़े बड़े टुकड़ों की बाइट अच्छी लगती है दोस्तों। तो चलिए इसे हम उबाल लेते हैं। इसके लिए हमने पतीला चढ़ा लिया है, पानी गर्म हो गया है हमारा। इसमें हम अपने सारे लौकी डाल देते हैं और इसे अच्छे से गलने देते हैं। हम किसी बर्तन से ढक देते हैं। चलिए दोस्तों हम रतोबा के मसाले तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने ये 5 हरी मिर्च ली थी, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और उसे कद्दूकस कर लेंगे। अदरक हमारा कद्दूकस हो गया। अब चलिए हम अपने लौकी की तरफ चलते हैं। लौकी हमारी उबल चुकी है दोस्तों, गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे। चलिए इसे उतार लेते हैं। दोस्तों हमारे रतोबा की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है राई, जो सरसों के जैसी होती है, छोटी छोटी होती है। अब इसे हम इमाम दस्ते में कूट लेंगे, एकदम बारीक कूटना है दोस्तों। दोस्तों हमारी जो राई थी वो बारीक हो चुकी है, देखिए अच्छे से बारीक हुई है। अब चलिए हम अपने लौकी को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों हमने एक अलग से पतीला लिया है और चाय छन्ना ले लिया है। अब जो हमारी लौकी उबल चुकी थी, इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। इसकी लौकी को अच्छी तरह से दाब दाब के इसका पानी निकाल लेंगे इस तरह से दोस्तों। अच्छी तरह से पानी निकालना है दोस्तों। आप चाहें तो कपड़े से भी छान करके निकाल सकते हैं, दाब करके, जिस तरह से छेना निकाला जाता है। चलिए अब इसे हम बर्तन में रखते हैं। इसी तरह हम सारे कद्दू को कर लेते हैं, लौकी को। ये देखिए दोस्तों, सारे लौकी हमारे का पानी हमने निकाल दिया है। ये देखिए दोस्तों कितना सारा पानी निकला है इसमें। चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं, पानी को फेंकते हैं और इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें दोस्तों हम डालेंगे वो जो हमारी राई पिसी हुई थी, जो हमने कूटा था, उसे डाल दिया। अब जीरा और काली मिर्च पाउडर दोस्तों 1 चम्मच, आधा चम्मच दोस्तों सादा नमक डालेंगे इसमें, और 1 चम्मच काला नमक। चलिए हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब दोस्तों हम डालते हैं इसमें अपने रायते की जान, जो इसके बिना रायता अधूरा है। तो चलिए इसमें हम डालते हैं खट्टी दही। दही हमने 1 कटोरी लिया है, ये करीब करीब 200 ग्राम के आसपास है दोस्तों। अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
ये हमारा अच्छी तरह से मिल चुका है दोस्तों, और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए जल्दी से बनाइए रसोबा और खाइए। हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे सर के उड़े बाल वापस आने की वीडियो आने वाली है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।